सो गाइज, मैं आपका दोस्त मुर्शिदराज वापस आ गया टिकटॉक की एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को लेकर। सो इस वीडियो में आपको टिकटॉक के हैशटैग के बारे में पूरा नॉलेज देने वाला हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों के साथ आजकल क्या हो रहा है कि वो बहुत मेहनत से टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, काफी सारे वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, लेकिन उसके वीडियो पे व्यूज आने बंद हो जाते हैं अचानक से, वीडियो वायरल हो ही नहीं पाता चाहे वो जितना भी मेहनत कर लेता है। तो जानते हो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है सही हैशटैग का वीडियो में ना लगाना, क्योंकि आप जब तक वीडियो के नीचे सही से हैशटैग नहीं लगाओगे वो वीडियो वायरल हो नहीं सकता, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हैशटैग के एल्गोरिथम पे ज्यादा वर्क करता है। जिस वीडियो के साथ सही हैशटैग लगता है उस वीडियो को वायरल वो कर देता है, और जिस वीडियो के साथ सही हैशटैग नहीं लग पाता उस वीडियो को वो ड्रॉप कर देता है, यानी कि रोक देता है, उसे आगे भेजता ही नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो वायरल हो नहीं पाता। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको वीडियो खत्म होने से पहले पूरी हैशटैग की सही नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हैशटैग आखिर होता क्या है। तो देखो, हैशटैग को आप एक ग्रुप मान सकते हो या एक लिंक मान सकते हो, क्योंकि हैशटैग जो होता है ना वो एक तरह का ग्रुप है। जितने भी उस हैशटैग को यूज करके लोग वीडियो बनाते हैं सभी का सभी उस हैशटैग के अंडर में मिल जाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपने कोई वीडियो बनाया और एक स्पेसिफिक हैशटैग उसके नीचे लगा दिया, और भी बहुत सारे लोगों ने बनाया और उसी हैशटैग को यूज किया, तो जितने भी लोगों ने उस हैशटैग को यूज करके वीडियो बनाया होगा सभी का सभी वीडियो उस हैशटैग के नीचे आकर जमा हो जाता है, और लाइक्स एंड व्यूज के बेसिस पे वो सभी वीडियो एक दूसरे के ऊपर जो है एडजस्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी बंदा उस हैशटैग पे क्लिक करता है तो उस पे वीडियो शो होते हैं और सभी वीडियो को वो देखने लगते हैं, तो इस तरह से वीडियो वायरल होता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है, हैशटैग जो है वो टिकटॉक का एल्गोरिथम जो है पूरा हैशटैग के ऊपर ही वर्क करता है, इसलिए आपको आए दिन कभी वीक में कभी मंथ में ट्रेंडिंग के हैशटैग देखने को मिलते होंगे डिस्कवर टाइप पे। तो टिकटॉक पूरा का पूरा काम करता है हैशटैग पे, इसलिए इसके ट्रेंडिंग के हैशटैग आते रहते हैं, और उस हैशटैग को यूज करके जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं सभी का वीडियो मोस्टली वायरल होने लगता है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है। अब बात करते हैं कि हैशटैग की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, क्योंकि अगर आप हैशटैग के बारे में जानोगे तो पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो देखो, हैशटैग को सबसे पहले यूज किया गया था ट्विटर पे, वो भी अगस्त 2007 में, और सबसे पहले इसे यूज किया था सोशल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट क्रिस मेसिना ने। तो 2007 में जब इसे यूज किया था ट्विटर पे तो उतना ये प्रचलित नहीं था, उतना ज्यादा लोग इसे यूज नहीं करते थे, लेकिन 2014 के बाद से जो ये काफी तेजी से हर सोशल मीडिया पे यूज किया जाने लगा। एग्जांपल के तौर पे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसके बाद आपका अभी टिकटॉक पे यूज होता है, इसके अलावा भी जितने हैं लाइकी, वीगो, फलाने डिंका, जो भी है, हर जगह जो है हैशटैग का यूज होने लगा है, क्योंकि हैशटैग जो है एक हाइपरलिंक का काम करता है, ग्रुप का काम करता है, सारे वीडियो को एक जगह लाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि टिकटॉक पे किस टॉपिक के लिए कौन सा हैशटैग को यूज करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ा गलती करता है एक क्रिएटर की वो किसी और टॉपिक का वीडियो बनाता है और हैशटैग लगा देता है किसी और टॉपिक का, जिसकी वजह से उसका वीडियो जो है सही से सही ग्रुप तक नहीं पहुंच पाता, और इस तरह से लोग वीडियो को नहीं देख पाते और टिकटॉक का एल्गोरिथम खुद उसे डिक्लाइन कर देता है, यानी कि रोक देता है, क्योंकि वो सही हैशटैग सही ग्रुप के लिए यूज ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि टिकटॉक पे कितने तरह के टॉपिक की वीडियो को जो है टिकटॉक एक्सेप्ट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक पे 19 तरह का टॉपिक का वीडियो ही टिकटॉक एक्सेप्ट करता है। उस 19 तरह के टॉपिक के अलावे अगर आप कोई भी टॉपिक का वीडियो बनाते हो तो वो टिकटॉक के एल्गोरिथम में नहीं आता है, तो वो बाय चांस वायरल हो सकता है, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो 19 टॉपिक जो है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, मैं सभी का नाम नहीं बता सकता क्योंकि काफी लंबा चौड़ा है। तो यहाँ पे 19 तरह के टॉपिक है, इसमें से जिस टॉपिक पे भी आप वीडियो बनाओ तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको हैशटैग यूज करने होंगे। तो चलो मैं 5 ऐसे टॉप टॉपिक के बारे में आपको बता दूं जो कि टिकटॉक पे शुरू से टॉप पे रहा है और अब भी है। तो सबसे पहला है कॉमेडी, उसके बाद आता है स्थान आपका टैलेंट का। टैलेंट के अंदर बहुत सारी चीज आती है, उसमें डांसिंग भी आता है, गिटार बजाना या तबला बजाना या कोई भी इक्विपमेंट जो कि आपका जो है सिंगिंग वगैरह से रिलेटेड है। दूसरा चीज की आपको सिंगिंग भी इसमें आ जाता है, एंड थर्ड चीज की इसमें और भी कोई क्राफ्ट वगैरह आ जाता है, आर्टिस्ट के लिए आ जाता है आर्ट वगैरह, जो भी मल्टी टैलेंट बंदे हो या स्पेशल टैलेंट हो सभी इसके अंदर आ जाता है टैलेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक और आपका सबसे बड़ा चीज आता है, वो आता है मोटिवेशन का। मोटिवेशन के अंदर वो हर एक चीज आता है जिसके थ्रू आप किसी दूसरे लोगों को कुछ समझा सकते हो, सिखा सकते हो, उसमें लर्निंग भी आता है। मोटिवेशन के अंदर में आपका शायरी वाली वीडियो भी आता है, मोटिवेशन के अंदर आपका जो है वो शॉर्ट मूवी टाइप का जो वीडियो बनता है जिससे कि लोगों को मैसेज मिलता है वो भी आता है। तो इस तरह से मोटिवेशन भी आता है,
उसका आता है टेक का। टेक के अंदर आपके आ जाता है कि जितने भी नए नए चीज इन्वेंट होते हैं या किसी मोबाइल का अपग्रेडेशन होता है या सिम कार्ड जैसे 4G 5G ये सब, तो सभी चीज के अंदर आता है। फिर आता है लर्निंग का। लर्निंग के अंदर आप वो हर एक चीज टिकटॉक पे सिखा सकते हो जिससे कि लोगों को फायदा हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर मैथ के टीचर हो तो मैथ के ट्रिक सिखा दो, या आप कोई मैकेनिक हो तो उसके बारे में सिखा दो, या मोबाइल के एक्सपर्ट हो तो मोबाइल के बारे में सिखा दो। तो इस तरह से आप हर एक चीज सिखा सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक है गाइज, आपको मैं सारा का सारा लिस्ट दे दिया। आपको ये देखना है कि आप 19 टॉपिक में से सबसे अच्छा किस पे काम कर सकते हो। आपको जो भी टॉपिक सबसे बेस्ट लगता है उस टॉपिक पे आपको काम करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और इस तरह से अगर खिचड़ी बना दोगे कि कभी इस टॉपिक का काम किए, कभी उस टॉपिक का, कभी उस टॉपिक का, सभी को अपने आईडी पे अपलोड कर दिए, तो कभी भी सक्सेस आप नहीं हो सकते। तो चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट हैशटैग के बारे में बता दूं जो कि वर्क करता है। तो कॉमेडी के लिए हम लेते हैं, तो कॉमेडी के लिए जो सबसे बेस्ट हैशटैग है वो है फनी कॉमेडी, 1 मिलियन ऑडिशन और रिटर्न ऑफ टिकटॉक। फनी वीडियो, उसके बाद फन टाइम है, उसके बाद आपका वायरल फनी है। तो इस तरह से इस तरह के हैशटैग को आप फनी वीडियो के लिए यूज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आप डांस वाला वीडियो बनाए हो और उसके नीचे जाके इस हैशटैग को यूज कर दो, यानी कि फन टाइम को, फनी को, कॉमेडी को, तो आपका वीडियो वायरल नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई लोग को अगर देखना है भाई डांस का वीडियो, उस पर क्लिक करेगा और आप फनी वीडियो वहां दिखा दोगे तो कैसे लोग देखेगा, क्योंकि वो तो पसंद करते हैं डांस वाले वीडियो को। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं मोटिवेशन का। मोटिवेशन से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो बनाते हो जिससे कि लोगों को आप समझाने वाली बातें बताते हो या कुछ सिखाने वाली, तो उसके नीचे आप जो है एडू टॉक मोटिवेशन, टॉक कैरियर, एडू टॉक मोटिवेशन और मोटिवेशन, इस तरह के हैशटैग आप उसमें यूज कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं टैलेंट का। टैलेंट के अंदर जो है बहुत सारे जो है टॉपिक आते हैं, जैसे सिंगिंग का एग्जांपल के तौर पे आप अच्छे सिंगिंग कर लेते हो, गाने अच्छे से गा लेते हो, और उस तरह की अगर आप वीडियो बनाते हो तो उसके नीचे हैशटैग आप यूज कर सकते हो माई सिंगिंग टैलेंट, सिंगिंग चैलेंज, माई वॉइस, ओन वॉइस, इस तरह से जो है आप हैशटैग लगा सकते हो। अब इसी के अंदर टैलेंट के अंदर डांसिंग का आता है। अगर आप अच्छे से डांस कर लेते हो उसके नीचे आप डांस लगा सकते हो, डांस इंडिया, डांस ओसम, उसका पब्लिक डांस, डांस लवर, तो इस तरह के आप हैशटैग यूज कर सकते हो। टैलेंट के अंदर एक और टॉपिक आता है शायरी का। बहुत सारे लोगों को देखते हो कि वो शायरी की वीडियो बना के काफी तेजी से फेमस हो जाते हैं, तो उसके नीचे आप हैशटैग क्या यूज कर सकते हो, शायरी लवर या पोएट्री, माई वॉइस, ऑन वॉइस, 1 मिलियन ऑडिशन भी लगा सकते हो, उसके बाद रिटर्न ऑफ टिकटॉक भी लगा सकते हो इसमें, और मोटिवेशन भी आप इसके अंदर लगा सकते हो क्योंकि आपके बहुत सारे शायरी मोटिवेशन से रिलेटेड होंगे। चलो एक और मैं आपको टॉपिक के बारे में बताता हूँ, आर्ट के बारे में। आर्ट के अंदर क्या आता है, आप किसी का चेहरा का स्केच बना देते हो, क्योंकि आपने टिकटॉक पे देखा होगा बहुत सारे लोग जो है स्केच बनाते हैं। दूसरी चीज की किसी के नेम का जो है आर्ट होता है, यानी कि नाम को लिखने का फर्स्ट लेटर देखते हो कि फर्स्ट लेटर वो काफी अच्छे से लिख देता है, तो उस तरह का अगर आप कोई करते हो तो उसमें कैलीग्राफी डाल सकते हो, ड्राइंग डाल सकते हो, राइटिंग, उसके बाद लेटर आर्ट भी डाल सकते हो। तो इस तरह के हैशटैग इसके नीचे आप यूज कर सकते हो। एक और टॉपिक जो है वो टेक का टॉपिक है, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं कि अनबॉक्सिंग करते हैं मोबाइल का, या किसी चीज का जो है नया इन्वेंशन हुआ, कोई कैमरा आया मार्केट में, या छोटा फोन आया, नया ब्लूटूथ आया, उसके बारे में भी यहाँ पे नॉलेज देते हैं, या मोबाइल के बारे में कुछ बताते हैं। तो उसके अंदर आप टेक्नोलॉजी लगा सकते हो, उसके बाद न्यू इन्वेंशन लगा सकते हो, उसका टेक लगा सकते हो, टेक लवर लगा सकते हो, एडू टॉक प्रोग्राम लगा सकते हो, एडू टॉक नॉलेज लगा सकते हो, या नॉलेज लगा सकते हो। तो इस तरह के हैशटैग आप इस टॉपिक के लिए लगा सकते हो। अब इन सभी टॉपिक्स के अलावे कुछ ऐसे हैशटैग्स भी है जो सभी टॉपिक पे बराबर वर्क करता है। तो उसमें से जो है एक है फॉर यू, दूसरा है फॉर यू पेज, वायरल वीडियो, ट्रेंडिंग, न्यू ट्रेंड, ट्रेंड। तो इस तरह के कुछ हैशटैग्स जो है वो सभी वीडियो के लिए जो है बराबर वर्क करता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाया, फॉर एग्जांपल कि आप कॉमेडी पे बनाया, तो कॉमेडी के नीचे आप कॉमेडी, फनी, फनी वीडियो या फन टाइम, और उसके बाद फॉर यू पेज लगा के इस तरह से 5 हैशटैग लगा के आप पोस्ट कर सकते हो। तो ये तरीका होता है। अब लोग क्या करते हैं यार कि तरह तरह के हैशटैग यूज कर देते हैं वीडियो में, तो एल्गोरिथम खुद कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी वीडियो को हम किस ग्रुप में डालें, क्या कॉमेडी ग्रुप में डालें या एडूटॉक में डालें। तो इस तरह से आप एल्गोरिथम को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि वो स्कैनिंग के दौरान हैशटैग को भी स्कैन करता है, उसे वीडियो के हिसाब से सही हैशटैग मिला तो वो सही ग्रुप में भेजेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है शेयर करेगा। और इसी तरह से कचरा कर दोगे बहुत सारे हैशटैग को मिला के, तो आपका वीडियो वायरल नहीं हो पाएगा।
सो गाइस इस तरह से इस वीडियो मैंने आपको हैशटैग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा और हेल्पफुल भी होगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त लोग जो है टिकटॉक यूज करते हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हैशटैग के बारे में सही नॉलेज मिल सके। और अगर आपको हैशटैग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर करना, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे एक स्पेसिफिक वीडियो की किसी और टॉपिक पे कौन सा हैशटैग बेस्ट रहेगा तो उसके लिए भी हमें नीचे कमेंट करना ताकि मैं उस टॉपिक के लिए भी बेस्ट जो है हैशटैग लाकर आप लोगों को दे सकूं। क्योंकि इन सभी हैशटैग को ढूंढने में मुझे काफी मेहनत लगा, काफी देर तक मैंने रिसर्च किया सर्च किया उसके बाद जाके इस वीडियो को बनाया। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एक लाइक जरूर कीजिए और इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और दोस्त लोग को भी बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो फिर मिलते हैं इस तरह की किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।